तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे बीच में आने वाली हर वो चीज जो यूएस की ट्रिप में आपको फेस करनी होती है। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है द गोसाई के साथ, और हमारी जर्नी शुरू होती है गुजरात के छोटे से गांव पाटन से, जहां से हम जा रहे हैं अहमदाबाद, जहां से हमें फ्लाइट लेनी है दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली से हमें जाना है पेरिस फ्रांस, और फ्रांस से हमें जाना है ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो फ्रेंड्स, करीब 2 घंटे की कार ड्राइव करके हम पाटन से पहुंच गए हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमें लेनी है फ्लाइट दिल्ली के लिए। और मैं अपनी बोर्डिंग करवा के लगेज में इलेक्ट्रॉनिक्स यहां वहां करता हुआ, क्योंकि आगे चेकिंग भी करनी है। अब फ्रेंड्स, चेकिंग के बाद हम वेट कर रहे हैं हमारी फ्लाइट का। एंड नाउ आवर फ्लाइट इज ऑन बोर्ड। हमारे साथ है मंत्र और फुल फैमिली के साथ हम जा रहे हैं, और हमारी फ्लाइट इज अबाउट द टेक ऑफ। और आसमान में बादलों के बीच फ्लाइट का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के पहले के गांव है, लगभग यहां से दिल्ली शुरू हो गया है, और हम अभी पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। फ्रेंड्स, दिल्ली से करीब 9.5 घंटे फ्लाइट में बिताकर हम अब पहुंच गए हैं पेरिस। तो हम अभी पेरिस में हैं, फ्रांस में, और यहाँ से भी ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन पकड़कर एयरपोर्ट का एक गेट बदलना है, और हमें अभी लेनी है नेक्स्ट फ्लाइट ह्यूस्टन के लिए, और जिसके लिए हमें बदलना है सिर्फ गेट। टर्मिनल सेम है, गेट बदलना है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक गेट से दूसरे गेट पर जाने के लिए भी ट्रेन लेनी पड़ती है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ही ट्रेन होती है। और ये ऑटोमेटिक चलने वाली ट्रेन हमें ले जाती है हमारी मंजिल पर, यानी कि हमारे गेट पर। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिक चलती है। ऐसी ट्रेन में पहले भी मैं कोपेनहेगन में बैठ चुका हूँ। एंड नाउ फ्रेंड्स, सेम टर्मिनल पर गेट चेंज करके हम अब पहुंच गए हैं हमारे गेट पर। यहां पर हमारी फिर से चेकिंग हुई, और इसके बाद पेरिस एयरपोर्ट का ये पूरा ऑफ ड्यूटी एरिया शुरू हो गया है, जहां पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम पहुंच गए हमारे गेट पर। बस हमें अब वेट करना है ह्यूस्टन की फ्लाइट का, जो यहां से करीब 10.5 आवर की है। So right now it's 11 and we are leaving Paris for Houston. और फ्रेंड्स, ये लीजिए, हम कुछ देर इंतजार के बाद अब पहुंच गए हैं हमारी फ्लाइट में। मैंने अमूमन देखा है कि एयर फ्रांस की फ्लाइट, एमिरेट्स दुबई वाली, और लुफ्थांसा जो जर्मनी की फ्लाइट है, ये सभी फ्लाइट्स का अब तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, हमने अभी यूरोप छोड़ दिया है और हम उड़ रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे। फ्रेंड्स, ये ओशन बहुत ही ठंडा है। आप इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो बीच बीच जगहों में सफेद छोटी छोटी ये बिखरी हुई चीजें देख रहे हो, वो दरअसल पानी में तैर रही बर्फ है। यहाँ से हाइट पर बादल है, लेकिन अगर आपको दिखाई दे तो उससे नीचे पानी के अंदर बर्फ साफ साफ दिखाई देती है, यानी कि ये पानी बेहद ठंडा और बर्फीला है। और यहाँ पर जब हम इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो हमारी हाइट पर भी बेहद ठंडी है। विंडो के इस हिस्से पर बाहर से पूरी बर्फ जम गई है, और आई एम श्योर कि जब हम लैंड करेंगे ये पूरी गायब हो जाएगी। हम अभी जिस हाइट पर उड़ रहे हैं वहां का टेम्परेचर करीब -50 to 55 degrees Celsius होगा, और इस ओशन का टेम्परेचर 0 degrees से भी काफी नीचे होगा। अभी दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। हम लोग अभी एंटार्क्टिक ओशन के ऊपर से गुजर रहे हैं, और अभी घड़ी में करीब 5:15 बजे है। और यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स,
ये जो आपको ये एनिमेशन दिखा रहा है वो हमारी फ्लाइट का रूट है, और हमारी फ्लाइट यूरोप से गुजरती हुई एंटार्कटिक ओशन को क्रॉस करके ग्रीनलैंड के एक हिस्से के ऊपर से गुजरेगी, उसके बाद कनाडा, और उसके बाद हम यूएस के आसमान पे होंगे। ये यहां से ग्रीनलैंड से होती हुई उसके ऊपर से गुजरेगी, और आपको तो पता है ग्रीनलैंड पूरा बर्फीला है। मैं लास्ट टाइम जब यहां पे आया था तो ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ ऊपर से साफ साफ दिखाई देते थे, जहां पर अभी तक शायद कोई नहीं गया होगा, और इस बार भी होप है कि अगर आसमान साफ होगा तो वो हमें आज भी दिखाई देंगे। दोस्तों यहां पर आप देखिए, हम ग्रीनलैंड के आसमान को करीब छूने वाले हैं। नीचे उसको छूता हुआ पूरा एंटार्कटिक ओशन है, और उसके बीच में देखिए पूरी बर्फ जमी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, ये छोटी सी हिमशिला आपको दिखती है? हम अभी फ्रेंड्स करीब 10,000 मीटर की हाइट पर होंगे, फिर भी यहाँ से ये शिला हमें इतनी बड़ी दिखती है। सोचिए ये कितनी बड़ी शिला होगी जो एंटार्कटिक ओशन में तैर रही है। ये फ्रेंड्स ग्रीनलैंड की ही मुख्य भूमि से अलग हुई एक शिला होगी, और फ्रेंड्स यहाँ से ग्रीनलैंड शुरू हो गया। ये फ्रेंड्स बस आपको कुछ कुछ जगहों पर एकदम ओशन के बॉर्डर पर ही कम बर्फ दिखाई देगी, बाकी पूरे ग्रीनलैंड पर एंटार्क्टिका के ही माफक बर्फ की चादर बिछी हुई है। दोस्तों आपको दिखाई देता होगा थोड़े बर्फीले तूफान भी यहाँ चल रहे हैं, हालांकि बीच बीच में कई जगह पर बादल थे, वहां की शूटिंग मैंने नहीं की, लेकिन जहां जहां पर मुझे गैप मिल जाता है मैं उसकी शूटिंग आपको दिखाना चाहता हूं। फ्रेंड्स ये जो ग्रीनलैंड है उससे हमारा देश पूरा भारत सिर्फ डेढ़ गुना बड़ा है, यानी कि डेढ़ ग्रीनलैंड बराबर एक इंडिया होगा, यानी भारत के लगभग ज्यादातर राज्य इस ग्रीनलैंड में समा जाएंगे। फिर भी फ्रेंड्स इस पूरे ग्रीनलैंड पर बसने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 56,000 है। जी हाँ फ्रेंड्स, 56,000 लोग इस जगह पर बसते हैं, और वो भी ग्रीनलैंड की एक कैपिटल सिटी जिसे कहते हैं नुक, उस शहर में। ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी नुक है, और वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 19,000 लोगों की है। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर कुछ कुछ जगह पर साउथ में ही समुन्द्र के किनारे कुछ कुछ स्टेशन बसे हुए हैं, और उस छोटे से हिस्से को अगर छोड़ दे तो पूरा ग्रीनलैंड आज खाली पड़ा है। यहाँ पर कई जगह ऐसी होगी, कई बर्फ ऐसी होगी जिसे आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देख सके, यू कैन सी जो आधी नदी है उसमें पानी है, और आधी नदी जम गई है। इस अमेजिंग ऊपर से देखने पर ग्रीनलैंड वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। फ्रेंड्स ग्रीनलैंड को छोड़ दिया है हमने, और अभी हम उड़ रहे हैं कनाडा के आसमान पर। कनाडा के आसमान से फ्रेंड्स जब हम कनाडा को देखते हैं तो झीले ही झीले दिखाई देती है। ये देश बहुत ही बड़ा है, और इस पर दुनिया का सबसे ज्यादा स्वच्छ पीने लायक पानी उपलब्ध है। ये पानी फ्रेंड्स इतना शुद्ध है कि ग्लेशियर में से और डायरेक्ट बारिश से होता हुआ इन झीलों में जाता है, जो क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। लेकिन फ्रेंड्स अफसोस के इस पानी को पीने वाले लोग यहां पर बहुत कम है। कनाडा की पॉपुलेशन करीब 38 मिलियन लोगों की है, यानी कि करीब 4.25 करोड़ लोग ही यहां बसते हैं, यानी कि गुजरात की पॉपुलेशन से भी बहुत कम। हालांकि फ्रेंड्स नॉर्थन कनाडा में बसने लायक जगह भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर अभी तक निकले या फ्यूचर में निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज पर तो लोगों का ही कब्जा होगा। और फ्रेंड्स कनाडा के आसमान के बाद अब हम उड़ रहे हैं अमेरिका के आसमान में, और दोस्तों लीजिए आ गई हमारी मंजिल ह्यूस्टन। अमेरिका का एक अपना ही एयर लेवल है, यहाँ पर करीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है अगर बड़े शहरों को छोड़ दे तो। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ गाड़ियों का ही है, और बड़े बड़े खुले खुले रोड और फ्लाईओवर्स। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून विद द गोसाई, आगे हम यहीं पर ही घूमेंगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप हैं द गोसाई के साथ, और नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ गुड डे, टेक केयर।